नमस्कार, जय माता जी। दोस्तों, मैं दिनेश भाई जोशी आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर दिनेश भाई जोशी में स्वागत करता हूं। अगर मित्रों आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या यूं कहें पहली बार आए हैं तो बेल आइकॉन की घंटी को दबाएं या सब्सक्राइबर बटन दबाएं, जिससे आने वाले टाइम में आपको ज्योतिष से संबंधित नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। और अगर आपकी ज्योतिष से संबंधित कोई समस्या है तो उसका समाधान भी होता रहेगा या हमारे बनाए हुए वीडियो में समाधान मिल सकता है। दोस्तों, हर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहना, समाज के नियमों का पालन करना हर व्यक्ति की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। लेकिन समाज किससे बनता है? समाज व्यक्ति से बनता है, परिवार से बनता है। आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर तीसरे घर की समस्या है। आज के वर्तमान दौर में, फैशन के दौर में हर व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है, परिवार के पीछे भाग रहा है, पैसा कमाना चाह रहा है। उस जेकर में उसकी संतुलित लाइफ बिगड़ने लगती है, जीवन असंतुलन हो गया है। व्यक्ति विवाह क्यों करता है? व्यक्ति विवाह इसलिए करता है कि उसका वंश बढ़े, परिवार बढ़े, आगे चलता रहे। परिवार के लिए, पैसा कमाने के लिए ही व्यक्ति भागता है। पर वो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये सुख प्राप्त नहीं होता। हर स्त्री चाहती है कि वो माँ बने, माँ का सुख प्राप्त करे, और हर व्यक्ति चाहता है कि वो पिता बने और वो पुत्र का सुख प्राप्त करे। पर ये हर व्यक्ति के बस में नहीं होता। कई बार अपने व्यक्ति में शारीरिक कमजोरी होती है, या कई बार ऐसा होता है कि खान पीने, रहन सहन की वजह से ये तकलीफ होती है। या यूं कहें सबसे बड़ा कारण, कई बार हमारे आसपास के लोग जो हमसे खुश नहीं होते, हमसे जलते हैं, पर वो ऐसी तंत्र क्रिया करके कोख बंधवा देते हैं, जिससे फिर उस स्त्री की कोख बांध दी जाए, उसको कभी संतान नहीं होती। फिर वो बांझ रहती है और जीवन भर उसके सब कानों में ये जहर का शब्द घुलता रहता है, बांझ शब्द। तो आज हम बताने वाले हैं कैसे स्त्री माँ बन सकती है, बांझ से मुक्त हो सकती है और संतान सुख प्राप्त कर सकती है। उसके लिए आपको क्या करना है, रविवार के दिन ये प्रयोग 21 दिन करना है, और ये केवल महिला ही करे, पुरुष ना करे। आपको ईश्वर पे आस्था रखनी है, भगवान पे भरोसा रखना है, और आपको माँ पार्वती के संपूर्ण शिव परिवार की फ़ोटो लेके आनी है, छवि लेके आना है। 21 दिन तक आपको माँ पार्वती को रोज़ सुबह शाम भोग लगाना है, माता जी को चुंदड़ी ओढ़ानी है, लोबान गुगल का धूप करें, उनको मावा मिठाई चढ़ाए, तिलक करें और गुड़ खिलाए, गुड़ का भोग रखे। और 21 दिन आपको लगातार ऐसी गाय जिसने बछड़े को जन्म दिया, उस गाय को 21 दिन तक गुड़ खिलाना है, और माँ पार्वती से प्रार्थना करनी है कि माँ हमको भी संतान सुख हो, हम भी जो कष्ट में है उस कष्ट से मुक्ति मिले। तो उसके लिए फिर आपको जो मंत्र बता रहा हूँ उसकी एक माला रोज़ सुबह शाम आपको करनी है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो शक्ति रूपाय मम ग्रह पुत्रु कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र एक बार वापस सुन ले, ओम नमो शक्ति रूपाय मम ग्रह पुत्र कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र की रोज सुबह शाम एक माला जपनी है और ये साधना करनी है। यह साधना करने से आपके जीवन में अगर कोख बंधन है तो उससे मुक्ति मिल जाएगी और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अगर ये करने के बाद में भी आपको सफलता नहीं मिलती, समस्या त्यों के त्यों बनी है, तो आप हमसे संपर्क करें, आप सभी मित्रों की समस्या का समाधान किया जाएगा, निकाल किया जाएगा, जिससे आपका जीवन आनंद मंगलमय हो।
हमसे जुड़ने के बाद सैकड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, आप भी उस परिवर्तन का हिस्सा बने और अपना जीवन आनंद मंगलमय बनाएं। इसी के साथ अब मैं दिनेश बी जोशी आपसे विदा लूँगा। हर हर महादेव।